इलाहाबाद हाईकोर्ट से खबर है जहां जल निगम भर्ती घोटाले में बड़ा फैसला है। 169 दागी अभ्यर्थियों को छोड़ भर्ती बहाल हुई है। CFSL रिपोर्ट में दागी मिले थे 169 अभ्यर्थी। सपा सरकार में हुआ था ये भर्ती घोटाला। घोटाले के वक्त नगर विकास मंत्री थे आजम खां। जूनियर इंजीनियर क्लर्क के लिए हुई थी ये भर्ती। 2017 में 853 पदों पर हुआ था चयन। नियम उल्लंघन कर चहेतों को दी गई थी नौकरी। भर्ती घोटाले में आजम खां भी आरोपी हैं। खुलासे के बाद रद्द कर दी गई थी भर्ती। तो बड़ी खबर आपको बताएं, इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर है। जल निगम भर्ती घोटाले में ये बड़ा फैसला है। 169 दागी अभ्यर्थियों को छोड़ भर्ती बहाल हो गई है। CFSL रिपोर्ट में दागी मिले थे 169 अभ्यर्थी। सपा सरकार में हुआ था ये भर्ती घोटाला। घोटाले के वक्त नगर विकास मंत्री थे आजम खां। जूनियर इंजीनियर क्लर्क की हुई थी ये भर्ती और 2017 से में 853 पदों पर हुआ था ये चयन। नियम उल्लंघन कर चहेतों को दी गई थी नौकरी। भर्ती घोटाले में आजम खां भी आरोपी हैं। खुलासे के बाद रद्द कर दी गई थी ये भर्ती। तो 169 दागी अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी जो भर्ती हुई है उसे बहाल कर दिया गया है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए राहत है। लखनऊ के होटल